जलंधर के बीते कल एक प्यो पुत्र के वलों जम के हंगामा किया गया। पिता का इल्जाम से कि उन्हों का बेटा जिसका पहला तो ही विआह होया होया जो कि पहला तो ही शादीशुदा है उसके वलों उसके किसी होर लड़की के नजायज़ संबंध ने तो उसके विआह करवाना चाहता है जिसके उपर उन्होंने नूँह तो उन्होंने सख्त इतराज़ है जिसके चलते वो दिल्ली तो जलंधर आए हैं तो उसनों इस चीज़ तो रोकया जा रहा है। उस तो बाद हुण बेटे का कहना सीगा कि वह पहला तो शादीशुदा है पर उसके 6 महीनों तो एक होर लड़की के संबंध ने तो उसके विआह करवाना चाहता है। इस चीज़ को लैके उसकी पत्नी भी कोई इतराज़ नहीं है। अजिही गल जी उसके बेटे के वलों कही जा रही थी जिस तो बाद पिता ने अपनी नूँह की गल जी है पत्रकारों के नाल भी करवाई फोन के उपर गलबात करवाई गई जिस उसकी पत्नी का कहना है कि उसनों सख्त इतराज़ है उस चीज़ लिए राजी नहीं है कि उसका पति किसी होर विआह करवाए। उत्तर दस दिए कि इस चीज़ को लैके काफ़ी हंगामा जोड़ा बीते कल अर्बन स्टेट के हों जिसके इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि पिता के वलों अपने बेटे की कुटमार की गई है। उत्तर दस दिए कि बेटे का कहना सगा कि उसके पिता के वलों जम के कुटमार की गई है जबकि उसकी पत्नी इस विआह के लिए राजी है दूसरे विआह के लिए राजी है। जिस तो बाद दस दिए कि पिता के वलों अपनी नूँह का अपनी नूँह जो कि बेटे की पत्नी है उसकी गलबात जी है पत्रकारों के नाल करवाई जाती है जिस उसका कहना सी कि उस विआह के लिए राजी नहीं है। जिस तो बाद दस दिए कि पूरा मामला जोड़ा वापरता तो सुनो पूरा मामला की है तो इस संबंधी लोग की कह रहे हैं। सर अभी बाद में सर फिलहाल में कुछ नहीं हुई है सर। जितनी लड़की राजी है मैं भी राजी हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए राजी हैं। वाइफ भी मेरी राजी है, कल कॉल की हमने वाइफ को तो उससे भी पूछा तो वो भी कह रही है और ये भी कह रहे हैं हम दोनों इकट्ठी ही रह लेंगे। एक लड़की है हमारे बीच में, 8 साल की लड़की है मेरी, तो ये दोनों ही राजी हैं, मैं भी राजी हूँ। मैं बोला दोनों के साथ में हम एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन मेरे घर में फादर नहीं मानते ना मेरी मदर मानती है। बस बाकी ये छोटा भाई है वो दिल्ली में गाड़ी चला रहा है। इसके साथ में सर 6 महीने होने वाले हैं। 6 महीने भाई मेरे साथ नहीं रहती सर। आप नहीं रहती? ना, 3 साल होने वाले हैं। भाई गांव में ही रहती है। गांव रहती है सर। जब भी इनसे बोलता हूँ मैं उसे लेके आने वाला हूँ तो ये गांव में कोई ना कोई मुसीबत बता देते हैं कि नहीं अभी बहू को ये काम है गाँव में, माँ अकेली रहती है तो इसलिए ये लोग हर बार रोक लेते हैं। लड़की को भी मेरे को जब से छोटे थे 1 साल की थी तभी इन लोगों ने लड़की को भी रख लिया तो मैं अकेला ही रह रहा हूँ जब। नहीं सर उसे सर अभी कोई पता ही नहीं है सर। पता नहीं है? नहीं सर। बाकी उसे सारा कुछ पता है, हम दोनों के रिलेशन के बारे में पता था लेकिन उसे कुछ नहीं बोला। वो भी वहाँ से कमरा छोड़ के रूम खाली करके पैसे देने थे 10-15 हज़ार रुपये, वो भी भाग गया कहीं। इसका पति इसको वो छोड़ के भाग गया? हाँ जी वो भी भाग गया, अभी छोड़ा है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। वही किस कारण जब से पता होगा, जब से पता चला उसको पता लगा छोड़ा। तो आप वजह हुई इस चीज की इसका घर खराब करने की? नहीं सर मैं एग्जैक्टली घर को भी नहीं खराब कर रहा हूँ सर। वो मेरे लिए राजी है, मैं उसके साथ में राजी हूँ सर। वो सर शाम को आता था, मारपीट करता था सर, गाली गलौज देता। आपको पता है कि आप 3 जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो, एक अपने बच्चे की, एक अपने सर उन्हें तो मैं रखने के लिए तैयार हूँ, मैं काम बना कर रहा हूँ चीज के लिए। वो भी राजी है भाई मेरी, कल ही कॉल की। मैं सर दिल्ली में ये काम कर रहे थे तो इस औरत जो इसके साथ भागी है इसका हस्बैंड भी है, उसने मुझे घर से फोन किया कि पापा दूसरी औरत लेके ये भाग रहा। वो नहीं है सर राजी, अभी मैं आपको फोन पे बात हुई है। ये सर अब जब इसको दूसरी लड़की लेके ये बताइए सर कैसे बंदा राजी हो जाएगा? दो दो औरतों में दूसरी बीवी राजी हो जाएगी? लेकिन ये तो बातें बना रहा है कि मेरे लिए जलीब कर ले, कुछ भी नहीं हुआ, ये सब झूठ बोल रहा। मैं कह रहा कि आपसे मैं कॉल करवा रहा उसी बहू से, वो आप बात कर लीजिए जी। वो राजी होती तो मैं क्यों आता? भाई तुम्हारा मामला है, तुझे 2-4 बीवी रखना, तू समझ मैं क्यों भागता तेरे पीछे जी। वो भी केस कर रही घर पे, तो घर पे मेरी घरवाली परेशान है तो वो कह रही कि तुम इसको पकड़ो जहाँ भी मिले। अब ये मुझे 4 तारीख से घुमा रहा कि कहीं मैं चंडीगढ़ हूँ कहीं मैं पटना हूँ, तो सर मैं भाग रहा इसको ढूंढते। अब ये सही एड्रेस बता नहीं रहा था, सही एड्रेस है, बहू को किसी ने फोन किया तब उसने बताया कि पापा जलंधर पहुँचो तुम, तब मैं सर कल आया तो यहाँ जलंधर आ गया। आप बुरा नहीं मानना मेरी बात का, आप अगर अपने घर में 2 बीवी रखना चाहते हो तो भाई माँ बाप को क्या लेना देना, तुम उसको खिलाओ रखो। उसको 6 साल में इसने आज तक चूड़ी नहीं पहनाई, तो वो बहू ये कह रही कि अभी तो मेरे सास ससुर जिंदा हैं तो कल अगर ससुर ख़त्म हो गया या सास तो मुझे इस घर में मेरा है क्या? वो तू इधर उधर के ये कांड नहीं सर, इसका ये तीसरा कांड है। ये तीसरा कांड है। अच्छा पहले भी, इससे पहले भी एक बार और इसने किया था। ये रिश्ता अभी 10 दिन में होली को बना है। अच्छा मैं वहाँ पे खुद मौजूद हूँ दिल्ली में, मेरा छोटा लड़का भी वहाँ है। अच्छा वो 10 बंदे भी हैं, उन्हें तो पता भी नहीं है। ये तो मेरे से 1,000 रुपये लेके गाँव जा रहा था कि मैं घर जा रहा हूँ। मैं तो सर ये चाहता हूँ कि ये वहाँ पे घर पे चले दोनों, वो अगर इसकी पहली फर्स्ट बीवी और ये तैयार है तो भाई मैं अपने घर में नहीं रहने दूंगा ना मैं इनको कुछ दूंगा। मेरा इनसे रिश्ता ख़त्म, इनका रिश्ता मेरे से ख़त्म।